हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में एक बार फिर आपके साथ हूं। मैं आपका मित्र मनमोहन जोशी, और आज हम बात करने वाले हैं अरेस्ट या गिरफ्तारी के बारे में। तो गिरफ्तारी क्या होती है, डिटेंशन क्या होता है, कौन गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, पुलिस कब गिरफ्तार कर सकेगी, इन चीज़ों के बारे में आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। डिपेंड करता है लेक्चर के साइज पर, ये हम दो या तीन अलग अलग सेगमेंट में से अपलोड करेंगे। आप बस जुड़े रहिए और चीज़ों को समझते रहिएगा। जब हम गिरफ्तारी के बारे में बात करेंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है, क्या आम आदमी भी किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हैं, आम आदमी मतलब जनरल पब्लिक, और क्या मजिस्ट्रेट भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो गिरफ्तारी क्या होती है, इन कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों के मन में रहता है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, क्योंकि आपके राइट्स के बारे में ये बताते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं तो आपको तो कानून जानना ही चाहिए, क्योंकि कानून के रखवाले आप ही हैं। अगर आप मजिस्ट्रेट हैं तो ये आपको पता ही होगा ये प्रावधान, नहीं पता हो तो मैं आज डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और बहुत इंपॉर्टेंटली, अगर आप आम आदमी हैं तो अपने अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अधिकार ही आपको शक्ति प्रदान करते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूँ, नॉलेज इज पावर। तो आइए शुरू करते हैं ये लेक्चर, और इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लिसनिंग लर्निंग मोड पे आ जाइए, हेडफोन ऑन कर लीजिए। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोटपैड और पेन भी ऑन कर लीजिए और चीज़ों को लिखते जाइए। लॉ के प्रोविजंस बहुत अपने आप में टफ हैं, कंफ्यूजिंग हैं, तो बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके आप इसे देखिए, जितनी बार देख सकें उतनी बार देखिए, और हर उस अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए जो कानून जानना चाहता है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या आपको लगता है कि उसे कानून की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मुझसे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं। मैं आपको बहुत एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत माफ़ी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं नंबर नहीं शेयर कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि मैं नंबर शेयर कर दूँ और फ़ोन ना पिक करूँ तो भी कोई मतलब नहीं होगा। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, www.vidhikshiksha.com जो आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है अभी, आप इस पर आइए। यहाँ आपको लॉ से रिलेटेड आर्टिकल, नोट्स, ऑडियो विजुअल, वीडियो लेक्चर्स और बहुत सारी चीज़ें देखने और सुनने को मिलेंगी जो हम टाइम बाई टाइम अपग्रेड और अपलोड कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हैं तो आइए www.facebook.com/vidhikshiksha पर और सीधे हमसे जुड़िए। आप अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में पहुंचा सकते हैं, आप हमें ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं या फेसबुक पर पहुंचा सकते हैं। तो आपकी बातें मुझ तक पहुंच रही हैं, इस बात को स्पष्ट मानिए, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अधिकतम लोगों के मैसेज का रिप्लाई दे सकूं। फ़ोन पर बात करना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम ऐसा कुछ करेंगे कि आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल करवा पाएँ जिसमें आप बात कर सकें। तो चलते हैं सीधे लेक्चर पर, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये लेक्चर लास्ट तक देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन कर लिया है तो बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं ये लेक्चर, अरेस्ट गिरफ्तारी के बारे में संपूर्ण बातें, ऑल अबाउट द अरेस्ट। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि पुलिस अधिकारी कब किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो पुलिस ऑफिसर के अरेस्ट करने के बारे में जब हमें जानकारी मिलती है तो जानकारी ये मिलती है कि इन एनी कॉग्निजिबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराधों के मामले में ही पुलिस अधिकारी किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हैं। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस की डेफिनेशन ही हमारे पास ये है कि एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं वही संज्ञेय अपराध है। फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या असंज्ञेय अपराध में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो साधारणतः आंसर ये मिलता है कि नहीं, पुलिस अधिकारी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो आपको एक जानकारी दे दूं, पुलिस अधिकारी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं प्रोविजंस बताऊंगा आपको। क्या अपराध किए जाने के पहले पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार है, मतलब किसी ने अपराध किया ही नहीं है, ऑफेंस अभी हुआ ही नहीं, और क्या पुलिस अरेस्ट कर सकती है? तो इसका आंसर भी है हाँ, पुलिस बिना अपराध के भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है। तो ये प्रोविजंस कहाँ मिलेंगे आपको? सबसे पहले सेक्शन 41 सीआरपीसी आता है, धारा 41। सेक्शन 41 में पुलिस के उन राइट्स के बारे में बात है कि कब पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। तो पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है? तो साधारण शब्दों में कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध में। ये संज्ञेय अपराध क्या है, इसके लिए हमको देखना होता है सीआरपीसी का शेड्यूल 1। सीआरपीसी की जब अनुसूची 1 देखते हैं तो पता चलता है कि संज्ञेय अपराध कौन से अपराध हैं, कौन से ऑफेंस हैं जिनको एज ए कॉग्निजेबल क्लासीफाई किया गया है।
फिर अगर आप सीआरपीसी 41 देखें तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि कब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, तो उसको क्लासिफाई किया गया है। मैं भी समझाऊंगा आपको, प्रोविजन स्लाइड में आएंगे जिनको मैं हिंदी इंग्लिश में आपको समझाता चलूंगा। सेक्शन 42 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कहता है कि अगर पुलिस को किसी असंगे अपराध के करने की सूचना मिली है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, असंगे अपराध हुआ, पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है या पुलिस को पता चलता है किसी व्यक्ति के बारे में कि इसने ऐसा अपराध किया है, तो पुलिस उससे उसकी डिटेल मांगती है। सेक्शन 42 ये कह रहा है नाम और पता। पुलिस आपसे आईडी कार्ड मांगेगी, आपको जब कभी पुलिस कहीं भी आपको रोकती है आपको आईडी कार्ड मांगा जाता है, आपको दिखाना होगा, इस बात को समझिएगा, क्योंकि आप कौन हैं ये तय होता है आपकी आइडेंटिटी से, आईडी कार्ड से। तो अपना आईडी कार्ड आप पुलिस को दिखाइए। अगर आईडी कार्ड नहीं दिखाया तो सेक्शन 42 ये कह रहा है कि सिर्फ इस कारण कि आईडी नहीं दिखाई गई है, नाम और पता नहीं बताया गया है, पुलिस गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है। फिर इसके साथ हमारे पास एक सेक्शन आता है 151 सीआरपीसी का, धारा 151। सेक्शन 151 ये कहता है किसी अपराध को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। मतलब अभी अपराध हुआ नहीं है, मैं वही जो बोल रहा था कि आप बिना अपराध के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, आंसर इज यस। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध की कार्यवाही। पुलिस के पास ये भी अधिकार है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है अपराध किए जाने के पूर्व भी। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी इसके बारे में डिटेल प्रोविजन हमको मिलता है सेक्शन 46 सीआरपीसी में। गिरफ्तारी के तरीके क्या होंगे, कब किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, कब पुलिस अपने हथियार का, मतलब गोली पिस्टल का, अपने जो पुलिस के पास लाठी होती है उसका उपयोग कर सकेगी, उसके भी प्रोविजंस हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस किसी भी अपराधी को रोकने के लिए पिस्टल निकाल ले, बिल्कुल अलाउड नहीं है। गोली कब चलाई जाएगी इसके लिए भी नियम है, ये सब हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 41 अपने आप में पूरा नहीं है, इसके लिए हमको 151, सेक्शन 46 इन धाराओं को भी देखना होता है। तो 41 में क्या है हम समझेंगे अभी, कुछ बातें और मैं समझा दूं गिरफ्तारी के बारे में। आम आदमी कब किसी को गिरफ्तार कर सकता है, जनरल पब्लिक, तो सेक्शन 43 में इसके बारे में प्रोविजन है। अगर आपके सामने कोई अपराध हो रहा है, अपराध कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, संज्ञेय और अजमानती है, तो आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है। गिरफ्तार करने के बाद क्या करना होगा, तो गिरफ्तार करने के बाद ऐसे व्यक्ति को पुलिस को सौंपना होगा, आप खुद सजा नहीं देंगे। क्या आप किसी व्यक्ति को जान से मार सकते हैं, तो कानून इसका भी अधिकार देता है। अभी बीच में मुझे एक किसी सज्जन ने जो खुद वकील हैं एक मैसेज किया था और उन्होंने पूछा कि अगर अपराध करने की अपराध को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध करने का अधिकार दे दिया जाए फिर कानून और न्याय की ज़रूरत क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, वो पूछ रहे हैं अपराध को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट एन ऑफेंस, अगर किसी को ये अधिकार दे दिया जाए, इफ समबडी हैज गिवन और कन्फर्ड राइट टू कमिट एन ऑफेंस, अपराध करने का अधिकार दे दिया जाए तो फिर कानून और न्याय क्या करेगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि अपराध को रोकने के लिए अपराध करने का अधिकार नहीं दिया गया है। रिपीट करूं, अपराध को रोकने के लिए अपराध करने का अधिकार नहीं दिया गया है, शरीर या संपत्ति की रक्षा करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने का अधिकार दिया गया है और उठाए गए वे कदम अपराध नहीं कहलाते, अपराध नहीं कहलाते। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, इसे कहते हैं आत्मरक्षा का अधिकार। तो आपको गिरफ्तारी का अधिकार भी है, आत्मरक्षा का अधिकार भी है, जिसमें किसी को जान से मारने का अधिकार है, जिसे हम कहते हैं राइट टू किल। लेकिन सेल्फ डिफेंस में, इसके बारे में भी हम किसी लेक्चर में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर आते हैं मजिस्ट्रेट के बारे में, सेक्शन 44 ये कहता है मजिस्ट्रेट जो किसी को गिरफ्तार करवाने का अधिकार रखते हैं, मजिस्ट्रेट जनरली वारंट इशू करते हैं, पुलिस गिरफ्तार करके लेकर आती है, क्या वो मजिस्ट्रेट खुद अरेस्ट कर सकता है, आंसर है हाँ, यस। सेक्शन 44 में इस बारे में डिटेल प्रोविजन है कि मजिस्ट्रेट भी किसी को सीधे ही गिरफ्तार कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन सेक्शंस को वन बाय वन स्लाइड में और मैं आपको एक्सप्लेन करते चलता हूं रिलेटेड प्रोविजंस। सेक्शन 41 सीआरपीसी रीड्स एज, धारा 41 सीआरपीसी के अनुसार, व्हेन पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, कब पुलिस अधिकारी किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो इस सेक्शन में बहुत डिटेल प्रोविजंस हैं, इस बारे में देखते चलते हैं वन बाय वन स्लाइड में सीआरपीसी सेक्शन 41 क्या कहता है। Clause 1 says that any police officer may arrest without warrant any person, police adhikari bina warrant ke kisi ko giraftar kar sakte hain, number 1, kab, who has been concerned in any cognizable offense, jo koi kisi sangeh apradh mein lipt paya gaya ho, or against whom a reasonable complaint has been made, ya jiske virudh koi shikayat ki gayi ho, or credible information has been received, ya vishwasni koi suchna kisi se prapt hui ho. और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन सो कंसर्न्ड, या कोई शंका है, कोई शक है कि ऐसे किसी अपराध में वो लिप्त रहा होगा।
पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अंडरलाइन करने की बात यह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध होना ही चाहिए। दूसरा प्रोविजन क्लॉज बी कहता है, हु हैज इन हिज पोजीशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग व्हिच एक्सक्यूज शैल लाई ऑन सच पर्सन एनी इंप्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। उसके पास ऐसा कोई सामान है जिसको हाउस ब्रेकिंग या गृह भेदन में उपयोग में लाया जा सके। फिर तीसरा प्रोविजन है, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उद्घोषित अपराधी इसे हम कहते हैं, जिसके नाम पर कोई घोषणा हो रखी है, इनामी अपराधी, इसको भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इन हूज पोजिशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई चुराई हुई संपत्ति मिलती है, स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, या शंका है कि इस व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया होगा, चोरी का अपराध। क्लॉज ई कहता है, हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एक्सक्यूशन। क्लॉज ई सेज दैट हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन द एक्सक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। पुलिस ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकती है जो उनके कार्य में बाधा पहुंचाता है, या जो निकल भागा अपराधी है, या निकल भागने का प्रयत्न करता है। क्लॉज एफ सेज दैट हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। जो किसी सशस्त्र बल से निकल भागा हो, इसे हम कहते हैं संत्यक्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के। क्लॉज जी सेज दैट who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned any act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India। ये जो क्लॉज जी है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसमें दो बातें लिखी हुई हैं। पहला, पर्सन हु हैज कमिटेड एनी ऑफेंस आउटसाइड इंडिया विच इज़ पनिशेबल इन इंडिया और हु इज़ अंडर एनी एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी। दो बातें लिखी हुई हैं, दोनों को समझने की ज़रूरत है। ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के बाहर कोई अपराध किया है और जहां ऑफेंस किया वहां तो ये अपराध नहीं था, लेकिन वो इंडिया में पनिशेबल है अंडर आईपीसी और एनी लॉ। या दूसरी बात यह है कि किसी प्रत्यर्पण संधि के अधीन है। एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी क्या होता है, मैं समझाऊं, दो देशों के बीच में अपराधियों के आदान प्रदान के लिए एक ट्रिटी होती है, संधि होती है, जिसे कहते हैं एक्स्ट्राडाइट ट्रिटी, जिससे वर्ड बना है एक्स्ट्राडिशन। तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के और भारत में कहीं भी जहां वो पाया जाए। सेक्शन 3, सेक्शन 4 आईपीसी रेड विद सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी, धारा 3, धारा 4 आईपीसी और धारा 188 सीआरपीसी पढ़ेंगे तो इस बारे में स्पष्ट प्रावधान आपको समझ में आएंगे। चलते हैं अगले क्लॉज पर। हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356। कोई व्यक्ति जो दोष सिद्ध है और दोष सिद्ध होने के बाद छोड़ा गया है जमानत पर या किसी और प्रावधान के अंदर, और उसने धारा 356 की उपधारा 5 के प्रावधानों का भंग किया है, ब्रीच किया है, उसे भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। एंड द लास्ट प्रोविजन आई सेज दैट फॉर हूज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट द रिक्विजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस और other cause for which the arrest to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। जो क्लॉज आई है उसमें बात जो की जा रही है आपको समझने की जरूरत है। पुलिस को किसी दूसरे पुलिस अधिकारी ने अरेस्ट करने के बारे में रिक्विजिशन किया है, अनुरोध किया है, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। ये रिक्विजिशन कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक थाना क्षेत्र से कोई व्यक्ति निकल भागकर दूसरे थाना क्षेत्र में आ रहा है तो वायरलेस पे अनाउंसमेंट होता है कि मैं फला फला पुलिस अधिकारी बोल रहा हूँ, ये व्यक्ति है जो इस गाड़ी नंबर पे आ रहा है, इसे अरेस्ट कर लीजिए। तो ये रिक्विजिशन है और लॉ ये कह रहा है कि स्पष्ट बात पता होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसने कौन सा ऑफेंस किया ये बात की जानी चाहिए। तो ये वायरलेस पे ओरली हो सकता है, ये रिटर्न हो सकता है, लिख करके दिया जा सकता है, लेकिन स्पष्ट बात इतनी है कि एक पुलिस अधिकारी जिसको अरेस्ट करने का अधिकार था उसने दूसरे पुलिस अधिकारी को इस बात के लिए अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट भेजा है, तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। चलते हैं सेक्शन 41 के लास्ट प्रोविजन पर, सेक्शन 41 सब सेक्शन 2।
Section 41 subsection 2 reads says, any officer in charge of a police station may, in like manner, arrest or cause to be arrested any person belonging to one or more of the categories of persons specified in section 109 or section 110. धारा 41 की उपधारा 2 कह रही है कि किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन धारा 109 और 110 सीआरपीसी के कैटेगरी में आने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है. बहुत शॉर्ट में बताता हूं 109-110 क्या है. 109 में है सस्पेक्टेड पर्संस, रिपीट करूं, संदिग्ध व्यक्ति. पुलिस किसी भी व्यक्ति को सस्पेक्शन, शंका, संदिग्धता के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है. और दूसरा 110 है हैबिचुअल ऑफेंडर, जो आदतन अपराधी हैं. तो ये 109 और 110 लोक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एग्जीक्यूट किए जाते हैं. टू मेंटेन पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, लोक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 109 और 110 में गिरफ्तारियां होती हैं और पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं ऐसे लोगों को बिना वारंट के. इससे पहले कि मैं रिलेटेड केस लॉस पर आऊं, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि पुलिस अधिकारी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 41 में उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक है ऑफेंस जिनमें 7 साल से अधिक के अपराध का दंड का प्रावधान है. रिपीट करूं, ऑफेंसेस इन विच द पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट इज मोर देन 7 ईयर्स. और दूसरे ऐसे अपराध हैं जिसमें 7 साल से कम के दंड का प्रावधान है. दो अलग अलग कैटेगरी है. अगर कोई व्यक्ति अपराध किया, पुलिस के पास FIR आता है कि इसने फला फला ऑफेंस किया है, जैसे पता चला कि चोरी का अपराध है, कौन से सेक्शन में, 379 में या सेक्शन 380 IPC में. 379 में 3 साल की सजा है, 380 में 7 साल की सजा है. तो क्या पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करना होगा? तो CRPC कहती है नहीं, ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है. और अगर पुलिस को यह लगता है कि गिरफ्तार करने की जरूरत है तो गिरफ्तारी के कारण लिखे जाने चाहिए. पुलिस उस कारणों को लिखेगी. अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो भी कारणों को लिखना होगा, और नहीं करती है तो भी कारणों को लिखना होगा कि क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया. 41 में स्पष्ट प्रोविजन है कि जब कभी पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करेगी तो कारण क्या होने चाहिए. मैं बहुत शॉर्ट में कुछ कारण बता दूं कि पुलिस को लगता है कि वो आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन चला जाएगा, क्षेत्राधिकार से बाहर, या पुलिस को ये लगता है कि वो साक्षियों को धमकाएगा, डराएगा, या पुलिस को ये लगता है कि जब बुलाया जाएगा तब वो नहीं आएगा. सर्टेन कैटेगरीज आर देयर. तो पुलिस को इस बारे में लिखना होगा कि क्यों उन्होंने गिरफ्तार किया है. अगर वो गिरफ्तार करते हैं, क्या इनमें से कोई क्लॉज फुलफिल होता है? और अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो भी पुलिस को लिखना होगा कि क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया. तो पुलिस उसमें लिख सकती है कि इसके नाम पता हमें पता है, या इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में कोऑपरेट करेगा, या जो भी पुलिस को लगता है कि क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. तो दो कैटेगरी है ध्यान रखना, 7 ईयर्स तक का ऑफेंस है और मोर देन 7 ईयर्स के पनिशमेंट वाले ऑफेंस हैं. तो जहां 7 साल या उससे कम के अपराध वाला प्रावधान है, सजा वाला प्रावधान है, वहां पुलिस अधिकारी की विवेकाधीन शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो गिरफ्तार करे या नहीं. गिरफ्तार करने पर कारण लिखने होंगे, नहीं करने पर भी कारण लिखने होंगे. लेकिन संज्ञेय अपराध, कॉग्निसेबल ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें कि 7 वर्ष या अधिक के दंड का प्रावधान है. मैं रिपीट कर दूं, मोर देन 7 ईयर्स इंप्रिजनमेंट. तो पुलिस इज बाउंड, पुलिस को ये बाध्यकारी प्रावधान है सेक्शन 41 में कि उनको ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही होगा. दे आर बाउंड टू अरेस्ट. मुझे उम्मीद है कि सेक्शन 41 के ये प्रोविजंस आपको बहुत शॉर्ट में समझ में आ रहे होंगे. चलते हैं कुछ केस लॉस पर, न्याय निर्णयों पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बिना कोई भी प्रोविजन अपने आप में अधूरा है. आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू दिस सेक्शन इन कमिंग स्लाइड्स. तो एक केस है हमारे पास में, लक्ष्मी नारायण विश्वनाथ आर्या वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. लेटेस्ट केस है 2008 का. इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट दिस सेक्शन एन्यूमरेट्स 9 कैटेगरीज ऑफ केसेस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट. इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 9 कुल मिलाकर के कंडिकाएं हैं, कैटेगरीज हैं, जहां पुलिस अधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि बिना वारंट के और मजिस्ट्रेट के आदेश के वो लोगों को गिरफ्तार कर सकें. जनरल प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर 4 एंड स्पेशली सेक्शन 41(1)(d) ऑफ द कोड विल हैव टू बी रेड इन कंजंक्शन विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 155, 156 एंड 155(2) एंड पावर्स अंडर सेक्शन 41 CRPC कैन बी एक्सरसाइज विदाउट कोर्ट्स इंटरवेंशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये कहा है कि जब कभी हम सेक्शन 41(d) स्पेशली पढ़ें तो साथ में 155, 156 को पढ़ें और साथ में 155 क्लॉज 2 भी पढ़ें,
और सेक्शन 41 जो सीआरपीसी में पावर दिए गए हैं पुलिस अधिकारी को, वो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना उपयोग किए जा सकेंगे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। बहुत बढ़िया बात कोर्ट ने कही है। ये सेक्शन 41, 155, 156 में क्या डिटेल है, मैं कभी किसी और लेक्चर में लेकर आऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट केस पर। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला है, 1994 का ये केस है। देखें क्या ऑब्जर्व किया गया इसमें। The right of a person who has been arrested to inform someone about his arrest and to consult with lawyer privately is a fundamental right inherent in Article 21 and 22 of the Indian Constitution. जोगिंदर कुमार वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि जब कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उसके कुछ अधिकार हैं। सबसे पहला ये कि उसको उसके पसंद के वकील से बात करने दिया जाए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि उसके किसी रिश्तेदार को, मित्र को, जानने वाले को इस बात की सूचना दी जाए कि ये पर्सन इस बात के लिए अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उसका मूल अधिकार है जो आर्टिकल 21 एंड 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। एक और इंपॉर्टेंट केस है सुधीर एम वोरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, 2004 का ये मामला है। Where the matter relating to arrest of the petitioner was subject matter of a writ petition pending before the High Court and the respondent had given undertaking not to arrest the petitioner, arrest of petitioner in violation of the undertaking was not proper. Court ने स्पष्ट ये बात कहा कि writ petition pending है High Court में और उसके अंदर किसी को arrest किया जाना है। जो respondent है, प्रतिवादी है, उसने लिखित कथन किया है arrest नहीं करने के लिए petitioner को, और अरेस्ट ऑफ द पिटिशनर इज इन वायोलेशन ऑफ द अंडरटेकिंग वाज नॉट प्रॉपर। कोर्ट ने कहा इसके बाद भी अगर पुलिस किसी पिटिशनर को गिरफ्तार करती है, याचिकाकर्ता को, तो ये जो है बिल्कुल ही सही नहीं है, अवैध होगा। एक केस है भावू जीवाजी वर्सेस मूलजी दयाल का मामला। इस मामले में कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि द सेक्शन इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये धारा अपने आप में पूर्ण नहीं है। मतलब गिरफ्तारी के बारे में जो प्रावधान यहाँ हैं वो पूर्ण नहीं है। देयर आर वेरियस अदर एक्ट्स, बहुत सारे और कानून हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्म्स एक्ट, जिसे हम कहते हैं हथियारों के बारे में जो है इंडियन आर्म्स एक्ट, फिर है एक्सप्लोजिव एक्ट, और बहुत सारे और कानून हैं विच ऑल्सो कन्फर सच पावर्स ऑन पुलिस ऑफिसर, जिसमें पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की विभिन्न शक्तियाँ दी गई हैं। एक केस देखें 1903 का, आज़ादी के पहले का ये मामला है। एम्परर वर्सेस माधव धोबी का ये केस है, और इस केस में प्रिवी काउंसिल ने जजमेंट दिया था। पुलिस ऑफिसर आर नॉट डिफाइंड इन द कोड, ये कहा गया कि पुलिस अधिकारी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इफ़ अ पुलिस ऑफिसर मेक्स अ रॉन्ग अरेस्ट अंडर अ बोनाफाइड मिस्टेक ही इज़ प्रोटेक्टेड। ये बात अवधारित की गई कि यदि पुलिस अधिकारी सद्भावना में किसी को गिरफ्तार करता है लेकिन गिरफ्तारी गलत है तो भी उसको सुरक्षा मिलेगी, उसने कोई अपराध नहीं किया है। The arrest, even if illegal, does not affect the trial of the case. अगर गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है तो भी स्पष्ट प्रावधान ये है कि वो मामले के विचारण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो सेक्शन 41 सीआरपीसी अरेस्ट के बारे में कुछ प्रावधान अभी हमने समझे, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हमने समझे, और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हमने आज इस लेक्चर में समझा। सेक्शन 41 अपने आप में पूरा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अभी एक केस में भी हमने समझा जहां कोर्ट ने कहा कि एग्जॉस्टिव नहीं है। एक केस में कोर्ट ने कहा कि इसके साथ और सेक्शंस पढ़े जाने चाहिए। रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं जो हम ज़रूर समझेंगे साथ में, और ये छोटे छोटे लेक्चर्स में इसीलिए लेकर आ रहा हूँ कि एक साथ बैठकर बहुत लंबा लेक्चर सुनना, कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना बहुत आसान नहीं होता है। तो इसका अगला सेगमेंट, अभी ये 4 या 5 सेगमेंट में आएगा। ये सेक्शन 41 था, फिर हम 42 में जाएंगे, फिर 43, 44 में जाएंगे। रिलेटेड सेक्शंस और हैं 155, 156, 55, ये सेक्शंस भी हम समझेंगे वन बाई वन इन्हीं लेक्चर सीरीज में। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर मुझे बताएं, और अच्छा लगा तो थम्स अप करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जुड़े रहें इस चैनल से, क्योंकि अरेस्ट के बारे में ये लेक्चर पूरा नहीं है। मैं जरूर बहुत जल्दी ही इसके और पार्ट लेकर के आऊंगा वन बाय वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।